नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस के इस लेक्चर में हम एक रोग के बारे में जानेंगे जो कि एक पर्ल मिलेट का रोग है। पर्ल मिलेट मतलब जिसको बाजरा कहते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम पेनिसेटम टाइफाइड से है और इसका जो रोग है उसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू, मतलब डाउनी मिल्ड्यू बाजरा के बारे में हम आज जानेंगे। इसका काजल ऑर्गेनिज्म मतलब ये फंगस से होने वाला एक रोग है जिसका साइंटिफिक नाम स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है। अब हम समझते हैं इसके सिम्टम के बारे में, क्योंकि इस रोग के सिम्टम दो स्टेजों में देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने इसके सिम्टम दो भागों में बनाया है। तो पहला भाग जो है वो वेजिटेटिव फेज, मतलब जिसमें पत्ती और शाखाएं तने ये सब बनते हैं, वो कहलाता है वेजिटेटिव फेज। और दूसरा कहलाता है फ्लोरल स्टेज या फ्लोरल फेज, जिसमें बाली निकलती है उसको बोलते हैं फ्लोरल फेज। तो पहले हम जानेंगे कि जो वेजिटेटिव मतलब कि पत्ती पे इसके कैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो जो पत्ती है, पत्ती पे आपको हल्के पीले कलर के आपको जो सिम्टम इसके देखने को मिलेंगे, जो कि पत्ती की ऊपरी सतह पर दिखाई देंगे। इसके अलावा जो पत्ती है, पत्ती में आपको क्लोरोटिक स्ट्रिप, जो क्लोरोटिक का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये पत्ती देख रहे हो, इस पत्ती में क्लोरोफिल है इसीलिए हरा हरा है। इसके बीच में ये देखो, ये जो है यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है इसीलिए सफेद है। तो इस रोग में क्या होता है, जहाँ पर क्लोरोफिल लॉस हो जाता है और लंबी लंबी धारियां बना लेता है, जैसे इसमें मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे धारी बना ले, ठीक है, और यहाँ इसमें क्लोरोफिल ना हो, तो इनको बोलते हैं क्लोरोटिक स्ट्रिक। तो ये आपको पूरी पत्ती पे देखने को मिलेंगे क्लोरोटिक स्ट्रिक। इसके अलावा जो पत्ती का निचला सतह है या जो उसका निचला भाग है पत्ती का, उसमें आपको सफेद रंग के फंगस की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये जो सफेद सफेद आपको दिख रहा है इसके पूरे पत्ती पे, इसको बोलते हैं जो पत्ती के निचले सरफेस पे फंगस ग्रोथ ही होती है। जो इन्फेक्टेड पत्ती है या जो प्रभावित पत्ती है वो पीले कलर से भूरे कलर में बदल जाती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। देखो जैसे आप यहाँ पर देखो, ये टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, इसके अलावा ये इसका मार्जिन देखो, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। और उसके अलावा इसमें जो पत्ती है उसमें स्टेंटिंग भी देखने को मिलेगी। स्टेंटिंग का मतलब जैसे ये नॉर्मल साइज में इस पत्ती का लंबाई इतना है, जब स्टेंटिंग हो जाएगी तो इसमें पत्ती की लंबाई कुछ छोटी हो जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेंटिंग, स्टेंटेड लीफ। तो ये भी आपको इस रोग में देखने को मिलेगा। और इसमें जो यंग सीडलिंग होता है, जैसे ये देखो छोटा पौधा है, अगर इस छोटे पौधे में ये रोग लग गया तो पूरा जो ये सीडलिंग है, मतलब ये जो पूरा पौधा है वो डाई हो जाता है या मर जाता है इस कंडीशन में। इसके अलावा जो अगला फेज है, अगला फेज बोलते हैं फ्लोरल फेज या फिर ईयर फेज, अटैक एट ईयर फेज। इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मल बाली जो होती है आपको ऐसी देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो इस प्रकार से आपको नॉर्मल बाली देखने को मिलती है। मगर इसमें क्या होता है, जब इस रोग का इन्फेक्शन आपको ईयर स्टेज पे या फ्लोरल स्टेज पे देखने को मिलेगा, तो जो बाली है, बाली में क्या होता है, हरी हरी पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें क्या है, ये जो पूरा हरा हरा आपको जाल दिख रहा है, ये एक प्रकार से जो हरी स्ट्रक्चर्स है, पत्ती के समान संरचनाएं हैं। तो जो फ्लोरल पार्ट है वो हरी स्ट्रक्चर्स में बदल जाता है, और जब ये हरे संरचना में बदल जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है ग्रीन ईयर भी है। आपने कई बार पढ़ा होगा ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, या कई बार ये भी देखे होंगे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, या कई बार ये भी लिखा होता है ग्रीन ईयर आर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा।
इनमें से जो भी आए वो सब सही होगा, क्योंकि ग्रीन ईयर को ही डाउनी मिल्ड्यू या फिर डाउनी मिल्ड्यू को ही ग्रीन ईयर डिजीज बोलते हैं बाजरा के केस में। इसके अलावा देखो, इसमें तीन प्रकार की एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी। पहली क्या, जो बाली की लंबाई है, जो ईयर है वो ईयर की लंबाई बराबर रहेगी, मतलब कि लंबाई इसकी कम नहीं होगी। मगर क्या है, जो पूरी बाली है वो लीफी स्ट्रक्चर में पत्ती जैसी इस संरचना में, जैसे देख सकते हो ऐसे इस संरचना में बदल जाएगी। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, बाली की लंबाई कम नहीं रहती होती है, बाली जो है समान लंबाई की रहेगी, मतलब जैसी हेल्दी बाली होती है। मगर क्या होता है, इसमें जो निचला भाग है, ये इस निचले भाग में सिर्फ जो लीफी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या है, और इसमें जो ग्रेन आपको दिखेंगे या फिर इसमें ग्रेन लगभग दिखेंगे ही नहीं, ये एरिया जो है जहाँ पर लीफी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या है, पूरा बंच जो गुच्छा होता है ना, जैसे बालियों का कुछ गुच्छा है, तो वो पूरा गुच्छा ही इस प्रकार से लीफी स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, पत्ती नुमा हरी संरचना में बदल जाता है। तो इस प्रकार से आप देख कर पहचान सकते हो खेत में कि ये बाजरा में ये ग्रीन ईयर रोग या फिर डाउनी मिल्ड्यू रोग लगा हुआ है। अब हम समझते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी में मुख्यतः हम जो पैथोजन है उसके संरचना के बारे में बात करते हैं। जो कि डाउनी मिल्ड्यू की अगर हम बात करें, तो इसमें दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, एक सेक्सुअल साइकिल में बनने वाली संरचना है, दूसरी एसेक्सुअल साइकिल में बनने वाली संरचना है। तो एसेक्सुअल साइकिल में कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, पहली तो बनती है हाइफा। हाइफा क्या होता है, जैसे मान लो फंगस है, तो फंगस में ये जो इस प्रकार से धागे नुमा संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं, इसको बोलते हैं हाइफा। और सॉरी, ये यहाँ पर गलत है, ए ई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कर लेना, या फिर जो हम पावर पॉइंट देंगे उसमें सही कर देंगे। तो हाइफा जो धागे नुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं हाइफा। ये होता है सीनोसिटिक। सीनोसिटिक मतलब जैसे ये एक हाइफा है इस प्रकार से, तो इसमें क्या है, यहाँ से क्रॉस वाल्ड होंगी और यहाँ ऐसे क्रॉस वाल्ड होंगी, तो इसको बोलते हैं सीनोसिटिक। और जब यही हाइफा आपस में ढेर सारे हाइफा मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम जो है हाइलाइन होता है, हाइलाइन का मतलब ये है पारदर्शी चमकदार होगा, और ये भी सीनोसिटिक होता है। उसके अलावा ये जो माइसीलियम है, ये जो आपको संरचना देखने को मिलती है माइसीलियम की, ये इंटरसेलुलर भी होती है। इंटरसेलुलर का मतलब ये हो गया कि जो दो सेल हैं, जैसे ये सेल हो गई और ये सेल हो गई, तो ये इसके बीच में ग्रो करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर सेलुलर। और फिर हास्टोरिया बनता है इसमें। देखो हास्टोरिया क्या होता है, हास्टोरिया एक स्पेशल आर्गन है फंगस का, जिसके द्वारा फंगस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसके केस में जो हास्टोरिया है वो बल्बस होता है। बल्बस का मतलब जैसे आपने ऑनियन गार्लिक देखा है, तो वो बल्ब होते हैं, उसी के शेप में इसका हास्टोरिया बनता है। अब हम समझते हैं कि स्पोरेंजियोफोर क्या होता है। देखो ये जो पूरी संरचना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। और ये स्पोरेंजियोफोर निकलता कहाँ से है, जो पत्ती में स्टोमेटा होता है निचले सतह पे, क्योंकि ज्यादातर नॉर्मल कंडीशन में जो स्टोमेटा है वो निचली सतह पे ही पत्ती के पाए जाते हैं, तो वहां से ये इमर्ज होता है। और ये जो लंबा होता है और ब्रांच्ड होता है, मतलब शाखाएं होती, जैसे इसमें देख लो किस प्रकार से ब्रांचिंग होगी। इसके अलावा इसमें बनता है स्पोरंजिया। तो यहाँ पर आप जो ये छोटी छोटी संरचनाएं देख रहे हो ना, यहाँ पर ये गोल गोल संरचनाएं, इनको बोलते हैं स्पोरंजिया। स्पोरंजिया का जो वाल है वो पतला होता है और स्ट्रिग्मेटा पे बनता है। स्ट्रिग्मेटा मतलब जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का उभार है, और इस उभार के ऊपर ये स्पोरंजिया बना। और फिर जैसे मान लो इसमें यहाँ पर एक उभार निकला और इसके ऊपर ये एक स्पोरंजिया बन गया, तो इसको बोलते हैं
स्ट्रिंग मेटा, ये जो यहाँ पर उभार ये होता है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग मेटा, और इस पे जो ये स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रिग्मेटिक स्पोरेंजिया। इसके अलावा क्या होता है, स्पोरेंजिया जर्मिनेट करता है और क्या बनाता है, जू स्पोर। देखो वैसे तो जनरली सब स्पोर होते हैं, और जू जू स्पोर क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लो ये स्पोर है और इस स्पोर में फ्लैजिला भी यहाँ और ऐसे निकल आए हैं, तो ये क्या है, कुछ मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब ये चल सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जूम स्पोर बोलते हैं, या मतलब जो स्पोरेंजिया में स्पोर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, जूम स्पोर बोलते हैं। इसके अलावा ये जो जू स्पोर है वो बाईफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट का मतलब ये स्पोर है जू स्पोर है, और एक फ्लैजिला ये और एक फ्लैजिला ये एक तरफ ही दोनों फ्लैजिला हो सकते हैं, कुल मिला के बाईफ्लैजिलेट जो कंडीशन है आपको देखने को मिलेगी जू स्पोर में। तो ये रहा इसके इटियोलॉजी के बारे में। अब दूसरा क्या है इसमें, जो सेक्सुअल स्टेज में हम जानेंगे, सेक्सुअल स्टेज में सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता किस प्रकार का है इसमें। तो जो डाउनी मिल्ड्यू का केस है उसमें ज्यादातर जो है गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा इसमें जो भाग लेता है जो फीमेल गेमिटेंजिया, फीमेल गेमिटेंजिया मतलब फीमेल पार्ट, उसको बोलते हैं हम उगोनिया। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो इतना आपको गोल गोल संरचना दिख रही है ये क्या है, उगोनिया है, और ये इंटरकैलरी और टर्मिनल दोनों प्रकार की हो सकती है। जो सामान्यता है वो टर्मिनल होती है, देखो ये जो है इस कंडीशन को बोलते हैं टर्मिनल ओगोनिया। इंटरकैलरी मतलब इसके ऊपर भी एक स्टाफ निकला होगा इस प्रकार से, जैसे ये नीचे संरचना यहाँ देख रहे हो उसी प्रकार से ऊपर भी इसके संरचना होगी, तो उस प्रकार की संरचना को बोलते हैं इंटरकैलरी संरचना। फिर क्या है इसमें, जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया, या मेल जो गैमेटेंजिया होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया। अब ये क्या है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा और इसका न्यूक्लियस इधर इंसर्ट करेगा, और ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या बनाते हैं, ऊ स्पोर बनाते हैं, और ऊ स्पोर पे तीन उस पे लेयर होती है, जैसे एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, और इसके ऊपर भी एक ये लेयर हो गई, और ये कठोर लेयर होती है ताकि जमीन में ज्यादा समय तक सरवाइव कर सके। अब हम बात करेंगे इसके डिजीज साइकिल के बारे में। तो जैसा कि बाजरा जो होता है, बाजरा हार्वेस्टिंग मतलब कटाई के समय उसकी कुछ पत्तियां, उसके कुछ जो तना है वो वहीं रह जाता है, तो उसी में ऊ स्पोर पड़ा रहता है, और ऊ स्पोर पड़ा रहने के बाद जब जुताई हम करते हैं तो वो जमीन में मिल जाता है, और वही जमीन में पड़ा रहता है ऊ स्पोर। तो उस प्रकार का जो ऊ स्पोर है उसको जमीन में पड़ा रहता है उसको बोलते हैं सोयल बॉर्न ऊ स्पोर, क्योंकि ये जमीन से ही डिजीज को फैलाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सोयल बॉर्न, और इससे फैलने वाला जो डिजीज होगा वो सोयल बॉर्न डिजीज होता होगा। देखो प्राइमरी इनाकुलम क्या होता है, प्राइमरी इनाकुलम बेसिकली जो सबसे पहले फील्ड में इन्फेक्शन फैलाता है उसमें जो भी संरचना भाग लेती है उसको प्राइमरी इनाकुलम कहते हैं, और यहाँ पर जो ऊ स्पोर है ये पहला इन्फेक्शन फैलाता है इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी इनाकुलम। और फिर क्या होता है, ये ऊ स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद पत्ती पे अब हाइफा माइसिलियम बनाएगा, और फिर उन्हीं हाइफा माइसिलियम पे क्या ग्रो करेगा, स्पोरेंजियो फोर बनाएगा, जो हमने एसेक्सुअल साइकिल में पढ़ा उसमें जो स्पोरेंजियो फोर बना था, तो यहाँ पर फिर स्पोरेंजियो फोर बनेगा, और स्पोरेंजियो फोर के ऊपर क्या बनेगा, स्पोरेंजिया बनेगा, और इसमें जो स्पोरेंजिया है वो सेकेंडरी इनाकुलम का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी इनाकुलम का मतलब ये हो गया जो दूसरी बार इन्फेक्शन फैलाएगा, मतलब पहली बार तो इन्फेक्शन यहाँ से फैला ऊ स्पोर से, और दूसरी बार इन्फेक्शन कहाँ से फैलेगा, ये सेकेंडरी इनाकुलम से, इसीलिए जो दूसरी बार इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है उस प्रकार के इनाकुलम को सेकेंडरी इनाकुलम कहते हैं।
यहाँ सेकेंडरी इनाकुलम स्पोरंजिया है, और स्पोरंजिया में भी क्या बनता है, हमने देखा जू स्पोर बनता है। जू स्पोर फिर से इन्फेक्शन फैलाएगा, और जब लास्ट में जैसे मेच्योरिटी कंडीशन में ये फिर क्या बना लेगा, सेक्सुअल साइकिल के द्वारा ऊ स्पोर बना लेगा। और ऊ स्पोर जो है, जब हम फसल की कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, तो यही ऊ स्पोर जमीन में प्लांट डेब्रिस के रूप में पड़ा रहेगा। और जब दोबारा हम इसको फील्ड में फिर से ग्रो करेंगे बाजरा, तो ये बाजरे के क्रॉप में फिर से अटैक करेगा। तो इस प्रकार से इसका डिजीज साइकिल चलता है। तो ये पूरा रहा डाउनी मिल्ड्यू बाजरा के बारे में। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पर हाँ, इसका जो टेलीग्राम जो अपना है वो नॉलेज ऑफ साइंस, आप टेलीग्राम में जाके नॉलेज ऑफ साइंस सर्च करके वहां से इसका पावर पॉइंट आप आसानी से ले सकते हो। वहां पर हम इसका जो लेक्चर बनाएंगे वो, और जो पावर पॉइंट और पीडीएफ जो है वहीं पे अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप आसानी से ले सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे दिन किसी दूसरे डिजीज के लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।